तो हमारा जो पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है उसको अभी देखा जाए तो अगर महंगाई के हिसाब से भी, अगर हमारा महंगाई दर के हिसाब से भी हमारा पेंशन को बढ़ाया जाता। सरकार हर जगह पे विफल रही है विकलांग जनों के मुद्दों पे। सरकार ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया विधानसभा के घेराव में। हम वही चीज मांग रहे हैं जो हमारे कानून में है, हम अलग से कोई भी चीज नहीं मांग रहे। सरकार ने वादा करके भी उसको पूरा करने का काम नहीं किया। अगर हमारी बहनें अगर पढ़ लिख करके भी अगर बेरोजगार है तो इनको कौन लड़का अपनाएगा? क्या किसी गंभीर या संवेदनशील सरकार से इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि निशक्तता आयुक्त का पद पिछले करीबन 3 वर्षों से खाली रखे और जिसकी वजह से दिव्यांगों को विकलांगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़े? जी हाँ, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में कुछ ऐसा ही हो रहा है। मेरे पीछे जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये विभिन्न जिलों से आए हुए दिव्यांगजन हैं जो अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर के 1 दिसंबर से राजभवन के पास बेमियादी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये इनडिफिनिट है और कब तक ये चलेगा, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं। विभिन्न जिलों से ये लोग आए हुए हैं और इस कड़ाके की सर्दी में, ठंड में ये लोग रात यहाँ गुजारने को मजबूर हैं। इन लोगों से बातें करेंगे लेकिन पहले इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो लोग दिव्यांग हैं, जो चलने फिरने से माजूर हैं, उन लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। कुछ एक लोगों से बात करते हैं। दीदी, क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम सरोज बरला है, मैं गुमला जिला से आई हूँ। सर, हम लोग को मांग पिछले वर्ष भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे और काफ़ी टाइम दे 3 मंथ का टाइम दिया गया था और वो 3 मंथ में हम 3 मंथ में पूरा नहीं होने के कारण सर हम लोग 1 साल वेट किए, फिर भी हम लोग को मांगे पूरे नहीं होने के कारण हम लोग अभी धरना पे बैठे हैं। क्या लगता है, मतलब पिछले 4 दिन से बैठी हुई हैं, आगे भी बैठना पड़ सकता है? इस बीच में किसी से बातचीत हुई, मुलाकात हुई? अभी तो किसी से बातचीत नहीं हुई है। अभी जो बड़े भैया हैं वो लोग किसी से मुलाकात किए हैं, अभी उन्हीं से जानिए पूछिए। आप कहाँ से आए हुए? हम धनबाद से आए हैं। बड़ी परेशानी हुई होगी? बिल्कुल, हाँ परेशानी तो हुई। और क्या लगता है, बिना सड़कों पर उतरे कोई इसका हल नहीं है? नहीं, हम लोग पिछले साल भी 28 दिन तक लगातार यहाँ पर सोए ठंड में और उसके बाद भी सरकार ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया विधानसभा के घेराव में और हमारे कई भाई बहनों को चोट भी आई इसमें, और उसके बाद भी सरकार हमारा जो मांग है वो जायज है उसको अभी तक दरकिनार किए हुई है। और हमारा जो पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है उसको अभी देखा जाए तो अगर महंगाई के हिसाब से भी, अगर हमारा महंगाई दर के हिसाब से भी हमारा पेंशन को बढ़ाया जाता तो 5 साल में हमारा एक बार जरूर पेंशन को बढ़ाया जा सकता था, लेकिन उस और सरकार ने वादा करके भी उसको पूरा करने का काम नहीं किया है और हमारे किसी भी क्षेत्र में, दिव्यांगता के क्षेत्र में हम लोग को लाभ नहीं मिल पाया है। इन सहारा देने वाली लाठियों को देख करके आपको अंदाज़ा होगा कि इसी के सहारे तमाम जो लोग हैं विभिन्न ज़िलों से चलते हुए राजधानी रांची पहुंचे हैं, लेकिन ये सहारा कम से कम सरकार को बनना चाहिए ताकि इनका जो इनकी जो परेशानी है, जो इनकी मजबूरी है वो दूर हो पाती। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरों कहते हैं कि वो सच बताती हैं। इन तस्वीरों को देख के आपको अंदाज़ा होगा कि किस मुसीबत, किस परेशानी में ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ एक और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये तस्वीर में देखिए किस तरह से जब चलने फिरने से आप माजूर हो जाते हैं तो व्हील चेयर ही आपका सहारा होता है, ट्राईसाइकिल ही आपका सहारा होता है, और उसमें भी जब सरकार की तरफ से गफलत हो, आपकी तरफ से कुछ नज़र अनायत नहीं हो, सरकार की तरफ से परेशानियाँ और बढ़ जाती है। क्या चाहते हैं आप? सर, मेरा नाम, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता, हम गढ़वा जिला से जी। सरकार के पास तो हमारे पास बहुत समस्या है, लेकिन फिलहाल में जो सरकार हमारे साथ वादा किया है उस वादा को हम लोग पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं। समस्या भी बहुत है, योजना भी बहुत है, सेवा करने वाले बहुत, सुरक्षा कमी भी है, फिर भी हम लोग बेलाचार हुए बैठे हुए हैं। सरकार से हमारा आग्रह है कि फिलहाल में 21 सूत्री जो मांग सरकार को दिया गया है वो फिलहाल में हम लोग के मांग पूरा कर दिया जाए, इससे धन्यवाद। 21 सूत्री मांगे, ये सुनकर ही इतनी लंबी फहरिस्त है। कुछ एक लोगों से बात करते हैं। लाम बहुत जो डिमांड है वो बहुत लंबी है, क्या लगता है सरकार एड्रेस कर पाएगी इतनी लंबी डिमांड? सरकार तो करना ही पड़ेगा, जब तक से हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम लोग तो बैठे रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहते हैं कि सरकार हर जगह पे विफल रही है विकलांगजनों के मुद्दों पे, क्योंकि हम वही चीज़ मांग रहे हैं जो सरकार ने कहा है, हम वही चीज़ मांग रहे हैं जो हमारे कानून में है,
हम अलग से कोई भी चीज़ नहीं मांग रहे हैं। अभी आपको एक चीज़ हम इन मुद्दों पे नहीं आकर के हम थोड़ा सा हट के आपको बताना चाहते हैं। अभी आप देखिए कि हमारी जो विकलांग बहनें हैं ये पढ़ी लिखी है, कोई बीए, कोई एमए, कोई पीजी, कोई पीएचडी की है। अब बताइए कि जो सामान्य जो बहनें हैं, जो विकलांग नहीं, जो सामान्य बहनें हैं, उनको जब समाज में उनको हीन भाव और दुर्व्यवहार किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारी बहनें अगर पढ़ लिख कर कभी अगर बेरोजगार है तो इनको कौन लड़का अपनाएगा, हमारी बहनों को कौन इनका अथी जीवन साथी बनेगा, और इनको अगर जॉब मिलेगा, ये अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो इनको कोई ना कोई जरूर अपनाएगा, इनको एक तरह से इनका जीवन साथी और इनका एक अपना घर होगा। लेकिन लेकिन सरकार ये नहीं चाहती है, सरकार हम लोगों को विकलांग से विकलांग बनाई जा रही है, ये दुर्भाग्य की बात है हम लोगों के लिए। और दूसरी बात है कि आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग जो 20 तारीख को पिछले वर्ष 20 दिसंबर 2022 को हम लोग जब स्ट्राइक किए थे तो वहाँ पे हम लोग हम जैसे विकलांगजनों पे लाठियाँ चार्ज की गई, पुलिस के द्वारा मारा पीटा गया। उसके बाद 22 दिसंबर को हम लोगों को विधानसभा में बुला करके माननीय मंत्री जोबा मांझी जी जो हमारे विभाग से आती हैं उनसे हमारी वार्ता हुई, और साथ में दीपिका पांडे सिंह, अम्बा प्रसाद, नेहा शिल्पी तिर्की और क्या बोलते हैं सीता सोरेन, ये सारे विधायिका थे और एक मंत्री, उनके बीच में हमें 3 महीने का आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगे 3 महीने के अंदर पूरा किया गया, मैं करूंगी। लेकिन मेरा जो है हमने सरकार को 3 महीने के बदले 1 साल समय दिया, लेकिन सरकार जो है मुझे लगता है कि हम विकलांग नहीं सरकार विकलांग हो गया क्योंकि हम पुनः अपनी मांगों को लेकर के फिर से बैठ गए। एक आखिरी सवाल ये है, ये बड़ा गंभीर लगता है कि निशक्ता आयुक्त का जो पद है पिछले 3 वर्षों से खाली है, क्या लगता है उनके आयुक्त के नहीं रहने वाले से क्या परेशानियां हो रही हैं? सबसे ज़्यादा जो परेशानियां है, जैसे आप घर का कोई गार्जियन होता है तो अपनी समस्या हम उनसे कहते हैं और वो समाधान करते हैं, तो राज्य के भी मुखिया के तौर पे जो दिव्यांगों के हित में काम करने वाले वो राज्य निशक्त आयुक्त होते हैं, और हम लोग के साथ चाहे वो जिला में हो, चाहे गांव में हो, चाहे घर में हो, किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर राज्य निशक्त आयुक्त के पास आते हैं, और राज्य निशक्त आयुक्त ने तो हम समस्या किसके पास लेकर आए? यदि हमारा राज्य निशक्त आयुक्त आज होता तो हमारा जो ये 1 वर्ष से मांग अधूरा है शायद ये इसमें 21 सूत्री में से कुछ मांगों पर तो पहल हो गया होता। तो आपने सुना किस तरह से दिव्यांगों ने अपनी समस्याओं को रखा, लंबी फहरिस्त है अगर एक एक पढ़ के मैं सुनाने लगूं, जिसमें से खास तौर पर यह है कि 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें 2500 पेंशन देने की बात थी उसे लागू करने की मांग है, निशक्ता आयुक्त को नियुक्त करने की मांग है, ऐसी करके 21 मांगे हैं जो सरकार के सामने रखी गई हैं। इन 21 मांगों में से सरकार किन मांगों को पूरा करती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जब इनके गार्जियन, जब इनके अभिभावक जो आयुक्त होते हैं, कमिश्नर होते हैं, जब वही नहीं रहेंगे तो फिर इनकी समस्याओं को कौन सुनेगा और इनकी समस्याओं का निष्पादन कौन करेगा। फिलहाल सरकार जो है चुनावी मोड में है, कल ही 3 राज्यों के बीजेपी ने सत्ता पर कब्जा किया है, 1 राज्य पर कांग्रेस ने किया है, और 1 राज्य का जो रिजल्ट है वो आने वाला है। तो जाहिर सी बात है जो राजनीतिक दल हैं वो चुनावी गुना भागा में लगे हुए हैं, चुनावी समीकरण में लगे हुए हैं, लेकिन इस बीच में इन दिव्यांगों की सुनने वाला कौन है ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नूतन के साथ रांची से शहनवाज।